हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पोके एंजल। आज की हमारी इस वीडियो की टॉपिक होने वाली है 10 पोकेमोन दैट आर क्यूट बट एक्चुअली डेंजरस, यानी कि टॉप 10 कुछ ऐसे पोकेमोन जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्वीट है बट इन रियलिटी वो पोकेमोन उतने ही ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर अब वक्त आ गया है कि कुछ मैजिकल वर्ड्स कहने का, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 10 पर जो पोकेमोन आती है वो है जेनरेशन 1 ये कि कैंटो रीजन का एक फायर टाइप पोकेमोन नाइनटेल्स। ये वॉल्पिक से इवॉल्व होती है और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। बट इस पोकेमोन की डेंजरस बात ये है कि अगर नाइनटेल्स के पूछ को कोई हाथ लगाता है तो उसे 1000 साल का श्राप लग जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 पर जो पोकेमोन आती है वो है हुएन रीजन का एक वाटर टाइप पोकेमोन गॉर्विस। गॉर्विस कैंपल से विकसित होती है और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्वीट है बट ये दिखने में जितनी ही अच्छी है उसकी बिहेवियर उतनी ही ज़्यादा बुरी है, क्योंकि ये पोकेमोन अपने नुकीले मुँह से ह्यूमन्स और पोकेमोन्स की खून पीती है। उसके बाद नंबर 8 पर जो पोकेमोन आता है वो है जेनरेशन 5 यानी कि यूनोवरिजन का एक गोस्ट और फायर टाइप पोकेमोन लैम्पेंट। ये पोकेमोन लिटविक से विकसित होता है और ये मरे हुए ह्यूमंस की आत्मा को खा जाता है। अब आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 पर जो पोकेमोन आती है वो है जेनरेशन 4 यानी कि सिनोरिजन का एक गोस्ट और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन ड्रिफ्लून। ड्रिफ्लून दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और ये एक बैलून की तरह दिखती है, पर इसकी डरावनी बात यह है कि अगर कोई बच्चा ड्रिफ्लून के साथ खेलता है तो ड्रिफ्लून उसे किडनैप कर लेती है। अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर जो पोकेमोन आती है वो है जेनरेशन 5 यानी कि यूनोवरिजन का एक घोस्ट और वाटर टाइप पोकेमोन जेलीसेंट। ये पोकेमोन दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्वीट है बट इसकी बिहेवियर उतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमंस की लाइफ एनर्जी को अब्जॉर्व करती है और ह्यूमंस को मार देती है सिर्फ और सिर्फ अपने सर के ताज को बड़ा बनाने के लिए। अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर जो पोकेमोन आता है वो है जेनरेशन 7 यानी कि अलोला रीजन का एक फाइटिंग और नॉर्मल टाइप पोकेमोन बीवेयर। ये दिखने में एक बहुत ही बड़ा ह्यूज टेडी बियर जैसा है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है, बट इसकी डेंजरस बात ये है कि अगर ये कोई ह्यूमंस को हग करता है तो उसके हड्डियाँ टूट जाती है। आप आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर जो पोकेमोन आती है वो है जेनरेशन 5 यानी कि यूनोवरिजन का एक घोस्ट और फायर टाइप पोकेमोन लिटविक। लिटविक दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है बट इस पोकेमोन से दूर रहना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पोकेमोन ह्यूमंस को स्पिरिचुअल में ले जाती है। नंबर 3 पर जो पोकेमोन आता है वो है जेनरेशन 7 यानी कि अलोला रीजन का एक घोस्ट और ग्राउंड टाइप पोकेमोन पलोसेंट। पलोसेंट दिखने में एक सैंड कैसिल की तरह है और इसीलिए छोटे बच्चे इस पोकेमोन के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, पर जो भी बच्चे इस पोकेमोन के साथ खेलता है पलोसेंट उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और पलोसन कुछ छोटे पोकेमोन्स को भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है अपने पावर्स बनाने के लिए। नंबर 2 पर जो पोकेमोन आती है वो है सिनोरिजन का एक गोस्ट टाइप पोकेमोन मिसमैकियस। मिसमैकियस की डेंजरस बात यह है कि ये ब्लैक मैजिक के यूज़ करती है और ये ह्यूमंस को कंट्रोल करती है। अब आते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर जो पोकेमोन आती है वो है जेनरेशन 7 यानी कि अलोला रीजन का एक घोस्ट और फेरी टाइप पोकेमोन मिमिक्यू। मिमिक्यू एक क्यूट पपेट की तरह दिखती है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बट इस पोकेमोन की डेंजरस बात ये है कि अगर इस पोकेमोन के कपड़े के अंदर कोई देख लेता है तो वहाँ पर ही वो मर जाता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।